दोस्तों 15 से लेकर के 25,000 रुपए के अंदर जो स्मार्टफोन्स बिकते हैं उनके अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं उनकी परफॉर्मेंस को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में दोस्तों यहां पर दो लेटेस्ट प्रोसेसर को लॉन्च किया गया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 और इसके अलावा यहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस। जी हाँ दोस्तों, ये 778 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि आपको यहां पर बहुत जल्द काफी सारे ब्रांड्स के साथ में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो आज हम यहाँ पर इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप भी यहाँ पर इस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इनकी पैदाइश से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 की। तो ये लॉन्च किया गया था यहाँ पर 11 अगस्त 2021 को, जबकि दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है 26 अक्टूबर 2021 को। तो बर्थ डेट के बारे में तो आपको पता चल चुका है लेकिन पार्टी लेने इनके घर पर मत जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर इनके डिस्प्ले सपोर्ट की। गाइस यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पर फुल HD प्लस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक की मैक्सिमम रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की दोस्तों, तो ये यहाँ पर 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस ये थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरा सपोर्ट के बारे में। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 की। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर डबल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर 20+20 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेंसर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बात करें यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस के बारे में, तो अगर आपको यहाँ पर सिंगल कैमरा देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर 192 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर डबल कैमरा सेटअप की बात करें तो आपको यहाँ पर 36+22 मेगापिक्सल के डबल कैमरा सेंसर देखने को मिल सकते हैं। अलावा ये प्रोसेसर यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप को भी सपोर्ट करता है, तो आपको अगर यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर 22 मेगापिक्सल के तीन कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। तो इस मामले में भी दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस थोड़ा सा बेटर ही देखने को मिलेगा। सो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 और साथ ही यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस दोनों प्रोसेसर यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर आपको 30fps का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 60fps पर। तो इस मामले में ये दोनों के दोनों प्रोसेसर आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलने वाले हैं, दोनों में आपको यहाँ पर कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब इस बैटल को यहाँ पर और भी थोड़ा मसालेदार बनाते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर इनके CPU के परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर CPU की। तो ये दोनों के दोनों CPUs आपको यहाँ पर 6nm की फैब्रिकेशन पर देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जितनी कम फैब्रिकेशन पर प्रोसेसर बने होंगे उतनी ही कम आपको यहाँ पर हीटिंग देखने को मिलेगी और उतनी ही अच्छी आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। दोस्तों फैब्रिकेशन से यहाँ पर परफॉर्मेंस पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यहाँ पर आर्किटेक्चर की। तो ये दोनों के दोनों CPUs आपको यहाँ पर 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ये आपको यहाँ पर ड्यूल कोर आर्किटेक्चर के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको दो कोर देखने को मिल जाएंगे कोर्टेक्स A78 की और यहाँ पर आपको 2.5 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए आपको यहाँ पर काफी अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे और वहीं पर दोस्तों बात करें मीडियम परफॉर्मेंस टास्क और पावर एफिशिएंसी के लिए, तो आपको यहाँ पर बाकी के 6 कोर देखने को मिल जाएंगे कोर्टेक्स A78 के, जहाँ पर आपको 2.0 GHz की स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर बात कर ले यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एक कोर देखने को मिलेगा आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए और यहाँ पर आपको 2.5 GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ में आपको यहाँ पर कोर्टेक्स A78 का कोर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलने वाली है। मीडियम परफॉर्मेंस टास्क के लिए आपको यहाँ पर बाकी के 3 कोर भी कोर्टेक्स A78 के ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको 2.2 GHz की स्पीड देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जहाँ तक बात है यहाँ पर पावर एफिशिएंसी और लोअर टास्क की, तो आपको यहाँ पर 4 कोर देखने को मिल जाएंगे कोर्टेक्स A55 के और यहाँ पर आपको 1.9 GHz की स्पीड देखने को मिल जाएगी।
तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप के मामले में आपको यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 थोड़ा सा बेटर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A78 के ही कोर देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे होते हैं, और यहाँ पर आपको 6 कोर देखने को मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात है गेमिंग ग्राफिक्स जीपीयू की दोस्तों, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ये आपको देखने को मिल जाता है आम वाली G68MC4 के एक 4 कोर जीपीयू के साथ में, जहां पर आपको 950 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, तो गेमिंग वगैरह आपको यहां पर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। जबकि दोस्तों बात करें यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की, तो यहाँ पर आपको एड्रेनो 642L का जीपीयू देखने को मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर 490 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर देखने को मिलता है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 कोर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस यहाँ पर आपकी वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह को भी काफी आसानी से यहाँ पर हैंडल कर सकता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस ही बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर गेमिंग दोनों में ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, दोनों में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर रैम और स्टोरेज की, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ये आपको यहाँ पर क्वाड चैनल के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको LPDDR5 की रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, और मैक्स बैंडविड्थ की बात करें तो आपको यहाँ पर 22.07 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड पर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की, तो यहाँ पर भी आपको LPDDR5 की रैम ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूअल चैनल देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा ये प्रोसेसर भी यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, जहाँ पर आपको मैक्स बैंडविड्थ देखने को मिल जाएगा 25.6 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से। तो ओवरऑल देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी देखने को मिल रही है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की, लेकिन दोस्तों अगर चैनल्स की बात करें तो इस मामले में यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के मामले में आपको यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस ही बेटर देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी सपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 और साथ ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस दोनों ही यहाँ पर eMMC 5.1 से लेकर के UFS 3.1 तक की स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली, दोनों ही प्रोसेसर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सेम देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये दोनों 5G चिपसेट हैं, तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर इनके डाउनलोड और अपलोड स्पीड के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ये आपको देखने को मिल जाता है 2.77 GBPS की डाउनलोड स्पीड के साथ में, लेकिन दोस्तों इसकी अपलोड स्पीड के बारे में अभी तक तो कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और जहां तक बात है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की, इस प्रोसेसर के अंदर आपको यहाँ पर 3.7 GBPS तक की डाउनलोड स्पीड और साथ ही 2.9 GBPS तक की अपलोड स्पीड देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस ही थोड़ा सा बेटर देखने को मिलने वाला है। फाइनली गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इनके ऑन द स्कोर्स के बारे में, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 आपको देखने को मिल जाता है लगभग 500,000 के स्कोर के साथ में। वहीं पर दोस्तों बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की, तो दोस्तों ये प्रोसेसर आपको यहाँ पर 560,000 स्कोर के साथ में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस ही बेटर देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ में बात करते हैं यहाँ पर गीकबेंच स्कोर की भी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 आपको सिंगल कोर के साथ में देखने को मिल जाएगा 797 पॉइंट के साथ में, वहीं पर मल्टी कोर आपको देखने को मिल जाएगा 2603 पॉइंट के साथ में। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की, तो यहाँ पर आपको 800 का सिंगल कोर पॉइंट देखने को मिलेगा, यानी सिंगल कोर के मामले में दोनों प्रोसेसर आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगे। दोस्तों मल्टी कोर की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग 3000 पॉइंट के साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस देखने को मिलेगा, सबके पास देखेंगे यार, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस थोड़ा सा बेटर ही देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें गाइस, तो अगर आप यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 के साथ में जाते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, क्वाड चैनल रैम का सपोर्ट। लेकिन दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे कोर्टेक्स A78 के कोर देखने को मिलते हैं, 144 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही आपको यहाँ पर ट्राई बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, और बेटर जीपीयू और बेटर बेंचमार्क्स देखने को मिल रहे हैं। सबके पास देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ये आपको 20,000 रुपए के अंदर आने वाले काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, जबकि दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस ये आपको 22 से लेकर के 25,000 रुपए के आसपास के जितने भी स्मार्टफोन्स आने वाले हैं वहां पर देखने को मिलने वाला है। तो उस हिसाब से देखेंगे यार, तो 25,000 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, और 20,000 रुपए के हिसाब से भी आपको यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 काफी अच्छा देखने को मिल जाता है।
अगर आपको यहाँ पर काफी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 778G प्लस के साथ में ही जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्मार्टफोन है जो कि आपको बहुत जल्द इस प्रोसेसर के साथ में आप इंडिया के अंदर भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। गाइस ये तो था फाइनली मेरा ओपिनियन, लेकिन दोस्तों आप सभी की इसके बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।